आज अफजलपुर में है जहां पर एआरबी ग्रुप की तरफ से एक सामूहिक विवाह का यहां पर प्रोग्राम होता है, जहां पर सैकड़ों नहीं हज़ारों नहीं काफ़ी लाखों की तादाद में लोग आते हैं। मगर यहां पर जिस तरह से एआरबी ग्रुप किस तरह से इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि हर साल ये कराते आ रहे हैं। आज छठवां साल है, 16 जोड़े इन्होंने रखे हैं, यानी कि 11 मुस्लिम बिरादर इनके हैं, 5 हिंदू बिरादरी के। ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಲಗ್ನ ನಾವು
ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 6 ವರ್ಷಗಳ ಸತತ ಕಾಲ ಇವರು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಜನರ ಸೇವೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂದರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೃಪ ಸೌಕರ್ಯ ನೀಡಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಎಂತ ಅನೇಕ ಶ್ರೀಗಂಧ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ದಾನವು ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಳಿನಿಂದಲ್ಲ, ಕಾಳಿನಿಂದಲ್ಲ, ಹೇಮನಿಂದಲ್ಲ, ಕಾಮಿನಿಂದವಳಲ್ಲ, ನೀವು ಜಗತ್ತಿನ ವಿಧಿಯಂತೆ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह. आप सब जो मेहमान आए उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं. पर ये ARP ग्रुप की तरफ से ये शादी हम ऐसे हमारे इसे कर रहे हैं. छठा साल है शादियों का. अल्लाह की मेहरबानी है, हम सब इससे कामयाब हो रहे हैं. अल्लाह का शुक्रिया अदा कर दूँ मैं, बस सबका शुक्रिया अदा कर दूँ. छः साल से करा रहे हैं शादियाँ. हर बार कितने जोड़े होते हैं? हर बार 15-16 जोड़े होते हैं. 16 जोड़े हैं, हिंदू मुस्लिम सबका कर रहे हैं हम. अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ आप मेहमानों का और आप मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. मेरा नाम रेशमा है. आज ये शादी कर दे रही हूँ उनको, हमारी तरफ से बहुत शुक्रिया. हमारे माँ बाप के तरफ से तो ये सब हो नहीं सकता था, लेकिन वो हमारे पिता और हमारे भैया बनकर हमारे साथ दी, उनको मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया. मेरा नाम रेशमा है. अफजलपुर ARP ग्रुप सामूहिक विवाह इवती दिवस ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡದ್ದು ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖರ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕುಟುಂಬದ ARP ಕುಟುಂಬದವರು ಇವತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಲಗ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಗೂ ಭಾಳ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. आज अफजलपुर में ARP के तरफ से जो ये सामूहिक विवाह यहाँ पे कर रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ. ARP के तरफ से सभी वो सामान जो शादी में दिया जाता है ARP के तरफ से दिया जा रहा है. ये बहुत बड़ी खिदमत है, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ. ओके वेल हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ फैजुल्ला खान और आप लोग देख रहे हैं गोहैश अफजलपुर. तो फिलहाल हम आज अफजलपुर में हैं जहाँ पर ARP ग्रुप की तरफ से एक सामूहिक विवाह का यहाँ पर प्रोग्राम होता है, जहाँ पर सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, काफ़ी लाखों की तादाद में लोग आते हैं. मगर यहाँ पर जिस तरह से ARP ग्रुप किस तरह से इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि हर साल ये कराते आ रहे हैं. आज 6वां साल है. 16 जोड़े इन्होंने रखे हैं, यानी कि 11 मुस्लिम बिरादर इनके हैं, 5 हिंदू बिरादरी के हैं. तो फिलहाल हम पूछेंगे इंडिविजुअली कि किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इनका ये करने का तरीका क्या है, इतना आप लोगों के बीच में आप रहते हैं. रज़ाक पटेल साहब हैं, उनसे मैं 2 बातें पूछना चाहूँगा. मैं ये इत्तला देना चाहता हूँ, ये स्लोगन देना चाहता हूँ कि मैं शादी करने का मुझे उतना खुशी नहीं है जितने ये लोग मेरे ऊपर मोहब्बत रख के यहाँ जमा हुए हैं, अपनी इज्जत दिखाएं, अपनी मोहब्बत मुझे दिखाएं, इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. मेरी ज़िंदगी रहे तक मैं इसको याद रखता हूँ. तो फिलहाल पप्पू पटेल साहब यहाँ पर काफ़ी अपने तरीके से इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, काफ़ी मेहनत रहती है, बैकबोन है इस चीज़ के. तो पप्पू पटेल साहब, क्या मेहनत लगती है, क्या आप लोगों की जितनी दुआएं आप ले रहे हैं, क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? दुआएं तो मिल रहे हैं, लेकिन मेहनत मेरी ज़्यादा नहीं है. मेहनत हमारे बड़े भाई की, हमारे सब घर वालों की, सबकी मेहनत है. और पूरे कौम के नौजवान जो बच्चे हैं यहाँ पे, हर जिम्मेदारी वही करते हैं. हमारा कुछ भी करना नहीं, आप देख रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ बैठ के गुलपोशी कर ले रहे हैं. करने वाले पूरे कौम के जिम्मेदार नौजवान बच्चे, हर एक चीज़ का वो जिम्मेदारी से करके हर मोहल्ले वाले हर तरीके से अपना अपना जिम्मेदारी निभाते हैं. मुझे वही बहुत खुशी है, नहीं तो मैं अकेला इतना कर नहीं सकता था. कम से कम 1000 नौजवान बच्चे देहातों से, लोकल से, अपना काम अपन खुद ब खुद कर लेते हैं, वही बहुत बड़ी खुशी है. गुलबर्गा से जो VIP गेस्ट आए थे आपके फरमान पे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो लोग मेरे एक फ़ोन पे, मैं दावत तो जाकर दे नहीं सका, लेकिन फ़ोन किया,
हर एक जिम्मेदारान जो आए थे, मैं बहुत उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे एक फ़ोन से वो आए, हमारे नौजवान जोड़ियों को दुआ दिए या गैर के लोग आके आशीर्वाद दिए, ये मुझे बहुत खुशी हुई है। पप्पू पटेल साहब, 16 जोड़ियों की ज़िंदगी आज आपने बांधी है बंधन में, वो लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे आखिरी ज़िंदगी तक? बांधने वाला तो ऊपर वाला है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप इसमें बहुत से यतीम बच्चियाँ हैं, वो नौ दूल्हों से कहूँगा कि भाई वो बच्चियों को अपने ज़िंदगी में जो भी ज़्यादा 19-20 या कोई भी तकलीफ़ात हो तो मोहब्बत से जाएं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो उनको नेक साले औलाद दे और अल्लाह ताला और उनको 100 साल की उम्र दे, बोल के मैं दुआ करता हूँ। नहीं, हम तीनों भाइयाँ सब मिल के हर साल करते हैं, आसानी होती है और हमारे नौजवान बच्चे बहुत साथ देते हैं, हमारे गाँव के हर चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं, खाना बनाना, खिलाना, पानी पिलाना, मंडप, हर चीज़ की बच्चे जिम्मेदारी लेके काम करते हैं, वो करते हैं, बल्कि हमको हर साल करने की ख्वाहिश होती है और हिम्मत भी होती है। जो सक्सेस होने का मेन कारण है, ये सब हमारे गांव के नौजवान और हमारा फ्रेंड सर्कल, बम्बई से भी हमारे दोस्त लोग आए हैं, सिंधनूर से, बेंगलोर से, बीजापुर से, मुद्देबेड़ से, हर तालुके से आके मेहनत कर रहे हैं, हर वो 2-3 दिन से हर पूरा अफजलपुर के हर नौजवान मेहनत कर रहे हैं, सबको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। हमारा फंक्शन नहीं, वो लोगों का फंक्शन है, बोल के उनको इसकी इस बात की मुबारकबाद उनको देता हूँ। मैं मेरे भाई पप्पू पटेल और मेरे सब तमाम भाइयों को मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ऐसे ही उनको हिम्मत दे, हिम्मत अफजाई भी करता हूँ और काम करे, और मेरे भाई पप्पू पटेल के पॉलिटिकल करियर में भी अल्लाह इसका अजर दे, मैं दुआ करता हूँ। शुक्रिया। हमार बेटी की शादी करे सो पप्पू पटेल भाई को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया करती हूँ मैं। बरकत दे दे उनके रोजी रोटी में, उनके बच्चे, उनके बीबी को बहुत अल्लाह अच्छा रखे। अम्मी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे पढ़ाई लिखाए इतना बड़े करे, और पप्पू पटेल का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने शादी करने के लिए इतना अच्छा करने लगी। ऐसा अफजलपुर में पप्पू पटेल आप ऐसा गरीबों का सहारा बना रहे कि अल्लाह इनको बहुत अल्लाह अच्छा बच्चों को और बड़ों को छोटे को हर हर दुआशी हर अच्छी सी सब हर मुसीबत सी आसान कर दे, और इससे बड़े लीडर बन दे और इससे बड़े MLA बनकर आन दे अफजलपुर में। ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಪ್ಪು ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬಡವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅಂತೇಳಿ ಚಲೋ ಹರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪಪ್ಪು ಪಟೇಲ್ ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಜ್ ಕೆ ದಿನ ಮೇ ARP ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು ಹಮಾರೆ ಪಪ್ಪು ಪಟೇಲ್ ಸಾಹಬ್ಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಮೇ ಸಬ್ಕೋ ಶುಭಕಾಮನೆ ದೇತಾ ಹೂ. ಹಮಾರೆ ಪಪ್ಪು ಪಟೇಲ್ ಸಾಹಬ್ ಔರ್ ARP ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕರೀಬ್ 6 ಸಾಲೋ ಸೇ ಹಮಾರೆ ಅಫಜಲ್ಪುರ್ ತಾಲೂಕೆ ಮೇ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುತ್ ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಾಸ್ಟ್ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಕರ್ರೆ. मैं अनवर पटेल एडवोकेट इसी पप्पू पटेल के ख़ानदान का एक फ़र्द हूँ. पप्पू पटेल रिश्ते में मेरा छोटा भाई है. मुझे पप्पू पटेल के इस काम में बड़ी खुशी हुई. अब पप्पू पटेल साहब ने जो ये हमारे तालुके में करके ये बहुत बड़ा नाम हासिल किया है.
ये जो आज शादियां हुए जो जो जोड़ी हैं दूल्हा दुल्हन को, अल्लाह मियाँ उनको दोनों में मोहब्बत अता फरमाए, उनके नेक साले औलाद अता फरमाए, ये दुआ करते हुए मैं मेरी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे एआरपी ग्रुप अफजलपुर की तरफ से 16 यतीम बच्चों की शादियां कर रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी से पब्लिक से आए हमारे सब साथी अफजलपुर के बच्चे, पूरे हमारे पटेल खानदान के बच्चे पूरे हमारा बहुत मदद करे। हमारा कुछ भी नहीं, उनका जितना मेहनत है, नौजवान बच्चे जितना मदद करे, ऐसा इसे ये इनसे हमारा इतना प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है। हमारा अफजलपुर गैरेज अंडरवर्ल्ड सीनियर वाले एक गरीब हमारे मैकेनिक थे, उनकी बेटी की शादी करें, छोकरे को मन भर के पूरा जो देना है सब, जैसा माँ बाप भी नहीं करते, वैसी तरीके से करें ना। जनाब आफ्ताब पप्पू पटेल साहब, ये मुसलसल 6 सालों से जो इज्तिमाई शादियों का निज़ाम चला रहे हैं, हर बार पिछली बार से बढ़कर ये निज़ाम चल रहा है। अल्लाह ताला इसी तरह उनको बढ़ चढ़ कर गरीबों की मदद करने में, गरीबों को ताउन करने में अल्लाह ताला उनसे काम ले रहा है कि आप तमाम मिलकर इस प्रोग्राम को सक्सेस किए हैं। आपका तहे दिल से एआरपी ग्रुप की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।